हेलो गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसे सॉल्व करें सिंपल बेसिक मेथड से तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम अपना थोड़ा दिमाग का यूज़ करें और हमें इसकी रेंजेस याद है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बेसिक मेथड की बात करें तो बेसिक मेथड ये होता है कि अगर हमें EM वेव की एनर्जी निकालती है तो उसका फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसका फॉर्मूला हमें सबको पता है क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1 2 4 4 0, या हम ये कह सकते हैं। अगर हम ये नहीं कहते तो हम इस वाले फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, 12400 के नाम से भी हम इस फॉर्मूले को हम जानते हैं, 12400 अपॉन वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो हमारी होती है वो किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, और जो एनर्जी हमारी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो यहाँ से हम जो है एनर्जी की एनर्जी निकाल सकते हैं और उसकी रेंज बता सकते हैं, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सी रीजन में यह लाई करेगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि जो है तुम्हारी जितनी की रेंज याद है इनकी सबकी, अल्ट्रा वायलेट, रीजन विजिबल रेंज, एक्सरे रेंज, गामा रेज की, अगर हमें रीजन याद है, रीजन की जो है हमें रेंज अगर याद है, तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर का हमें पता है, हम जैसे दोस्तों हम ऑर्डर जानते हैं, ऑर्डर होता है हमारे पास एक, ठीक है, रोल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। जैसे रोल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। अब हमें EM वेव में अगर हम एनर्जी का जो है रेंज अगर हम लिखनी, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे रोल्स मदर है तो हमें जो है रेफरेंस ही लेकर चलना है कि हमें इसका, तो हमें याद ही करना है एक्स रेज जो होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। एक्स रेज जो है किस में होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अब इसके आगे को और इसके पीछे को 10^3 से कम होगा, 10^3 से इंक्रीज होगा। अगर हम जैसे इसकी बात करें, 10^3 किलो वोल्ट किस में बन जाएगा, मेगा वोल्ट में बन जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम गामा रेज की अगर हम बात करें, अगर हम इसके पीछे को चलते हैं तो ये तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किले। अगर हम अल्ट्रा वायलेट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो 10^3 से कम हो जाएगा, तो मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कम हो जाएगा। तो इससे हमें कन्फर्म पता लग गया कि तुम्हारे पास जो कितना 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, ये होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन की। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।